नक्शा जो है वो पढ़ने वाली तो चीज नहीं है, जो कहानी याद कर लेंगे। आप बताइए, आप किसी गली मोहल्ला को जाना छोड़ देंगे ना, तो धीरे धीरे दिमाग से उतर जाता है आपको। अगर आप बहुत से चीजों को ऐसे देखे होंगे ना, जहां आप मोहल्ले में रहते होंगे, या जो लड़के पटना में रहते हैं या बाहर रह के पढ़ते होंगे, आप कुछ ऐसे दुकानदारों को देखते होंगे जिन्हें शकल से पहचानते हैं लेकिन नाम भी नहीं जानते है कि नहीं। और कहीं और मिल जाएगा तो पहचान जाएंगे, एक दुकान तो पटना में था, मुजफ्फरपुर में था, दिल्ली में था। क्यों? आप रेगुलर देख रहे थे। तो नक्शा को भी क्या करते रहना है, रेगुलर देखते रहना है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप अपने लॉज में सबसे कमजोर विद्यार्थी खोजिएगा, जो पढ़ने में बकलोल हो। समझदार को नहीं, समझदार बहुत घमंडी होते हैं सब, उन सबसे दूरी बना के रखिएगा। लॉज में जो आपको सलाह देने आए ना, सबसे पहले साइड होइएगा। बर्बाद और नाकामयाब लोगों की कुछ पहचान है, उन्हें नींद बहुत आती है, भूख ससुरन को बड़ी भयानक रखता है, आराम बहुत खोजेंगे सब। दुनिया का कुछ भी दिखाइए, उनमें उन ससुरों को बुराई दिखेगी ही दिखेगी। जो व्यक्ति आपको कह दिया बुराई करते हुए, ऐसे वैसे वो कभी आगे नहीं जा सकता, कभी नहीं। क्योंकि कामयाबी इतना ज्यादा वक्त कहती है, कामयाबी कहती है तुम मुझे वक्त दो, हम तुमको कामयाबी देने। तो कामयाबी में इतना वक्त लगता है कि उसके पास कभी भी वक्त ही नहीं है दूसरे की बुराई करने का। और दुनिया में लोग कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कुछ रास्ते अपनाइए, कुछ रास्ते अपनाइए। सिंपल एक रास्ता है कामयाब होने का, वक्त। मेहनत वहनत कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं, समय दीजिए, समय। आप दुनिया में किसी को समय दीजिए, वो आपका होगा। आपको फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है, कोई टीचर आपको बिलीव नहीं कीजिएगा ना, टीचर के पास मत जाइए। फिजिक्स का कोई चैप्टर नहीं आ रहा है, ससुराल के 10 दिन तक रीडिंग मारिए। आप 10 दिन बाद उस ससुराल समझ में आए ना आए, लेकिन पूरा बना देंगे आप। तो दुनिया का कोई चीज आपका होगा अगर आप उसे समय देंगे तब, लेकिन आप समय लड़की को दे देते हैं। तो आप किसी चीज में कामयाब होंगे ये डिपेंड करता है आप उसे कितना समय देते हैं। तो लॉज में जो कमजोर विद्यार्थी होगा उसे क्या कीजिएगा, पढ़ाइएगा, ये समझ के कि आप खान सर है। आप ये समझ के नहीं कि आपका लॉज का वो स्टूडेंट है, आप ये समझ के करिएगा कि आप स्टूडेंट है। जितने लड़के लाइव पढ़ रहे हैं अपने मोहल्ला में, गली मोहल्ला में, क्या कीजिएगा, बताते रहिएगा। सबसे अच्छा तरीका है जिससे फोनवा पे बतियाते हैं ना, ओकरे पढ़ाइए। शार्क बताओ तो शार्क देखिएगा, तब उधर से फोन करके डिस्टर्बो ना करेंगे। इका जरूरत है तो रीगा पूछ लेगा खाना खाए कि नहीं, अरे खाइए लेगा, मर नहीं जाएगा खाएगा नहीं तो। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, ग्रेजुएशन 49% था, इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेज आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे, बहुत सारे लोग ठग के चले गए। हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था, इस तरह से हमको यहाँ पर नुच लिया था लोगों ने। लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात किए तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है। तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई, दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा, भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठे, उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल हैं उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। अब देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए, आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही पढ़िए, बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए। हर चीज के लिए होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन